नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बच्चों में पाए जाने वाला एक स्किन के कंडीशन के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है इरिदमा टॉक्सिकम नियोनाटरम। ये क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसा रैशेज जब बच्चा पैदा होता है तब बॉडी में एक दो दिन के बाद ही निकलता है। और क्या होता है इसमें, पहले आपका जो रेड रेड स्पॉट होता है उसके बीच में छोटे छोटे दाना निकलते हैं और ये दाना में एक दो दिन के बाद पिप जम जाता है और घमोरिया जैसा दिखता है। तो इसको बोलते हैं इरिदमा टॉक्सिकम नियोनाटरम। इसको और भी दो नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि अर्टिकरियल नियोनाटरम, नहीं तो टॉक्सिक इरिदमा ऑफ नियोनाटरम भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ये जो नाम है इरिदमा टॉक्सिकम नियोनाटरम, इसका क्या मीनिंग है। इरिदमा यानी रेड कलर होता है, टॉक्सिकम यानी टॉक्सिक यानी डेंजरस दिखने वाला, और नियोनाटरम नियोनेट मतलब जो बच्चा पैदा होते हैं तब उस छोटा बच्चे को नियोनेट बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा ही है। ये जो दाना होता है ना, पहले स्टार्ट होता है आपका फेस में, उसके बाद आपका बॉडी में होता है और धीरे धीरे आपका लिम यानी हाथ में चले जाता है। और एक चीज इसमें क्या होता है, आपका पाम यानी ये जगह और सोल पाव के नीचे, ये दोनों जगह में ये नहीं होता है लेकिन पूरा बॉडी में हो सकता है। ये देखने में डेंजरस है लेकिन ये कोई डेंजरस वाला चीज नहीं है। इसमें बच्चे का कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई बुखार वगैरह नहीं आता है और ये नॉर्मली 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये आपका 2-3 हफ्ते तक रह सकता है। जो बच्चा फुल टर्म यानी पूरा 9 महीने के बाद पैदा होता है उनमें ये ज्यादा पाया जाता है, 40-60% बच्चों में पाया जाता है। लेकिन जो लोग प्रीमैच्योरली डिलीवर होते हैं यानी जो लोग 8 महीना से पहले पैदा हो जाते हैं ना, उनके बॉडी में ये ज्यादा नहीं मिलता है। और एक कंडीशन पाया जाता है बच्चा में जो पैदा होता है तब, उसका नाम होता है ट्रांजिएंट नियोनेटल पोस्टुलर मेलानोसिस। बहुत लंबा ही नाम है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तुरंत उसके साथ साथ, नहीं तो पैदा होने से पहले ही उसका स्किन में आपका ये दाना दाना रहता है, ये रैशेस रहता है, ये कभी कभी छोटा छोटा वेसिकल पानी जमने वाला स्किन में रैशेस भी रहता है। और ये जब ठीक होता है ना तब बॉडी में छोटा छोटा काला काला दाग रह जाता है, धब्बे रह जाता है। लेकिन वो पहला वाला जो कंडीशन है उसमें कोई दाग धब्बा नहीं रहता है, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसमें ये जो सेकेंड वाला कंडीशन हमने बोला, ये जब ठीक होता है उसमें बच्चे का स्किन में ब्लैक कलर का पिगमेंट यानी स्पॉट रह जाता है। और ये ट्रांजिएंट नियोनेटल पोस्टुलर मेलानोसिस में पाम एंड सोल ये भी अफेक्ट रहता है, बॉडी पूरा बॉडी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन पहला वाला में हाथ और पैर यानी पाम एंड सोल अफेक्ट नहीं होता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, जो पेडियाट्रिशियन है नहीं तो स्किन डॉक्टर है देख के तो इसको पहचान सकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर डाउट होता है तो वो जो पिप होता है उस पिप को लेके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो क्या मिलता है, उसमें एसिनोफिल्स मिलता है। इससे कंफर्म होता है कि ये ईटीएनए है यानी इरिदमा टॉक्सिकम नियोनेटरम है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है तो वहां पे न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलता है, अगर फंगस रहता है तो वहां पे फंगल हाइफा या फंगल का कुछ एलिमेंट रहता है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। क्रीम या लोशन या कोई दवाई लगाने से ये कंडीशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और इसके लिए इसका कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। पेरेंट्स लोग, मम्मी पापा बच्चे को ये कंडीशन देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत मामूली सा चीज है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये था डिटेल्स में आपका इरिदमा टॉक्सिकम नियोनेटरम के बारे में। उम्मीद है आपको आज एक नया चीज सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक या बीमारी के बारे में जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ, विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।